हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑलवेज न्यू मूवी अपडेट्स। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ पावर स्टार पवन कल्याण के बारे में। दोस्तों, पावर स्टार पवन कल्याण के फैंस ने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। जी दोस्तों, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। आजकल हम देख रहे हैं कि ट्विटर पर एक से एक नए रिकॉर्ड्स बनते जा रहे हैं, और यहाँ पर ज़्यादातर रिकॉर्ड जो है वो यूट्यूबर्स के नाम रह रहे हैं। ज़्यादातर रिकॉर्ड जो है तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार्स के नाम रह रहे हैं, तमिल फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार्स के नाम रह रहे हैं। और यहाँ पे एक और जो रिकॉर्ड बनाया है वो है पावर स्टार पवन कल्याण के फैंस ने। या दोस्तों, फैंस ने एक सेंसेशनल रिकॉर्ड जो है बनाया है, वो है हाईएस्ट ट्वीट इन ए आवर। या दोस्तों, एक घंटे में सबसे ज़्यादा ट्वीट्स का रिकॉर्ड बना दिया है पावर स्टार पवन कल्याण के फैंस ने। और मैं बता दूँ कि ये जो रिकॉर्ड है ये है 9 मिलियन ट्वीट्स का। बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, 9 मिलियन ट्वीट्स का ये रिकॉर्ड है, और मुझे नहीं लगता कि काफ़ी लंबे समय तक इसको अभी तोड़ने के लिए कोई आसपास होगा। एक घंटे में 9 मिलियन ट्वीट्स। और आपको बता दूँ, ये जो सब हो रहा है ये हो रहा है पवन कल्याण के बर्थडे को लेकर के। यही कहूँगा कि जितनी फैन फॉलोइंग साउथ के सुपरस्टार्स की है, या आप कह सकते हैं जितने क्रेज़ी फैंस उनके हैं, उतने क्रेज़ी फैंस किसी और फिल्म इंडस्ट्री में होना मुश्किल है। हमने देखा है कि बॉलीवुड में भी काफ़ी बड़े बड़े स्टार्स हैं, सुपरस्टार्स हैं, उनके भी काफ़ी ज़्यादा फैंस हैं। वो कुछ स्टार्स हैं जैसे कि सलमान खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन, ये कुछ ऐसे बड़े स्टार्स हैं जिनकी क्रेज़ी फैन फॉलोइंग है, जिनके लिए फैंस कुछ भी करने को तैयार हैं। और अगर आप देखें, उसी तरह से फैंस हैं तेलुगु में, तमिल में, जैसे महेश बाबू हो गए, पावर स्टार पवन कल्याण हो गए, चिरंजीवी, जूनियर NTR, विजय, तो ये सुपरस्टार रजनीकांत, ये कुछ इस तरह से एक्टर हैं जिनके लिए जो ऑडियंस है, जो जनता है, वो क्रेज़ी रहती है, पागल रहती है। आपको क्या है कहना इस बड़े रिकॉर्ड के बारे में, वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में, कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।